बसमिल आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई YouTube चैनल दैट इज़ फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स और दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर ऑफ एजुकेशन बी पी एस सेवनटीन एंड द टॉपिक ऑफ टूडे इज अपोलॉजी ठीक है पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था मेटाफिजिक्स को दैट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फलॉसफी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड ब्रांच ऑफ फलॉसफी एंड द सेकेंड ब्रांच ऑफ फलॉसफी इज अपेस्टोमोलॉजी ठीक है तो आज ये हमारा टॉपिक है और आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अच्छा जी तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अपेस्टोमोलॉजी क्या है अपेस्टामोलॉजी इज ड्राइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स एज वी नो ऑल द वर्ड्स आर ड्राइव फ्राम ग्रीक वर्ड्स ठीक है जितने भी वर्ड्स हैं वो तकरीबन ग्रीक वर्ड्स ही हैं तो नंबर वन वर्ड कौन सा है एपिस्टेम ठीक है नंबर वन इज एपिस्टेम एंड द सेकेंड वन इज लूजी ठीक है वो तो हम सबको ही पता है अच्छा जी तो एपिस्टेम का मतलब क्या है एपिस्टेम का मतलब है नॉलेज एपिस्टेम का मतलब क्या है नॉलेज ठीक है उसके बाद जी नॉलेज ये हो गया उसके बाद लूजी का मतलब क्या है स्टडी सही है जी तो अब ये क्या बन गया स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज अगर हम इसको इस तरह पढ़ें तो ठीक है क्या हो गया स्टडी ऑफ नॉलेज क्या है जी एपिस्टोमोलॉजी अब इसी को ही अगर हम और देखें फर्दर इसको हम पढ़ें तो इसकी और भी मीनिंग्स बनती हैं स्टडी ऑफ नेचर स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज ठीक है थ्योरी ऑफ नॉलेज थ्योरी ऑफ नॉलेज कि आपकी नॉलेज आ कौन सी थ्योरी से रही है आप किस थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं उसके बाद स्टडी ऑफ नेचर स्टडी ऑफ नेचर सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज वैलिडिटी ऑफ नॉलेज सही है जी ये है असल में इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन स्टडी ऑफ नेचर सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज ठीक है ये क्या है मेन डेफिनेशन है किसकी जी अपिस्टोमोलॉजी की इसके अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं सोर्स मतलब नेचर क्या है सोर्स कहाँ से आ रही है वो बात हम किस सोर्स से कर रहे हैं अक्सर आपने मौलवी हजरात को देखा है या जो बड़े फिलोसोफर होते हैं लोग होते हैं तो दे आर ऑलवेज गिविंग द रेफरेंस वो रेफरेंस देते हैं ठीक है जी ये फलानी बुक में लिखा है और ये फलानी किताब में इस बंदे ने ऐसे कहा है और फिर हम चेक करते हैं वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को क्या वो जो बात दो साल पहले कही गई थी क्या वो आज वैलिड है या वो आज वैलिड नहीं है यहाँ पे इतना डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और बहुत सारी हमारे पास रेवोल्यूशन्स आ चुकी हैं नॉलेज के अंदर तो क्या उसके बाद वो चीज़ वैलिड भी है या नहीं है ठीक है बात आई समझ में तो ये है वैलिडिटी इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं एपिस्टोमोलॉजी के अंदर अच्छा जी तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ ठीक है जैसा कि हमें पता है फिलासफी के अंदर वी आर ऑलवेज डीलिंग विद द क्वेश्चंस और तो क्वेश्चन इसका क्या होता है जी व्हाट इज ट्रू व्हाट इज ट्रू ठीक है हकीकत क्या है ठीक है हकीकत हर किसी के लिए अलग अलग है ज़रूरी नहीं है नॉलेज जो है आपके लिए वो नॉलेज है और मेरे लिए वो नॉलेज ना हो हो सकता है मेरी डेफिनेशन अलग हो अगर जब इन शाह लोग जब रिसर्च करेंगे तो रिसर्च के अंदर होता क्या है ठीक है रिसर्च के अंदर आप लोग नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे हेट ठीक है हेट तो हेट क्या है मेरे अकॉर्डिंग एज अ रिसर्चर मैं हेट को किस तरह डिफाइन करता हूँ तो कभी भी आप कोई क्वालिटी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो खास तौर पे क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर फोकस करता हो जब हम रिसर्च के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा बट जिन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा वो आसानी से समझ लेंगे और जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है गो टू द गूगल बाबा गूगल बाबा आपको बता देगा ठीक है टेंशन वाली कोई बात नहीं है तो हम क्या करते हैं उस बेसिक टॉपिक को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं ताकि जो रीडर है उसको पता चल सके कि ऑथर का मतलब हेट ऑथर जो है हेट किस सिचुएशन में समझता है हेट किसे कहता है ठीक है तो ये डेफिनेशन हमेशा क्वालिटेटिव जो रिसर्च पेपर होता है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन के तौर पे डिफाइन की गई होती हैं तो हर चीज़ का एक अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जैसा कि हमने पीछे भी चीज़ों को स्टडी किया था तो बिल्कुल वही चीज़ आगे चल रही है सेकेंड जो है जी क्वेश्चन नंबर टू हाउ डू वी नो हम कैसे जानते हैं मिसाल के तौर पे हमने एक चीज सुनी है बचपन से कि अगर आप जो है ज्यादा शोर मचाओगे तो बच्चा जैसे रोता है तो उसको क्या करते हैं उसको डराते हैं उसको कहते हैं अगर ज़्यादा शोर मचाओगे तो जिन आपको ले जाएगा ठीक है वो बाहर जो है एक बच्चा उठाने वाली जो है औरत फिर रही है तो अगर आप बिना कुंडी खोले बाहर जाओगे तो आपको कोई उठा के ले जाएगा इसी तरह ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे बच्चों को हम बचपन से पढ़ाते रहते हैं बट हाउ डू वी नो हम ये कैसे जानते हैं तो फिर जब हम बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि हमने ये कैसे जाना था कि हमें एक फिगर ने बताया था अथॉरिटी अभी अब जब हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे एपस्ट्रोमोलॉजी के तो वहां पे ये बात मैं डिस्कस करूंगा कि किसने कहा था जी पेरेंट्स ने कहा था पेरेंट्स क्या थी जी हमारी सोर्स थी ये जो हमने पढ़ा था ना पेरेंट्स क्या थी हमारी सोर्स थी तो फिर हम उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे जब वैलिडिटी को चेक करेंगे तो बोलेंगे भाई नहीं ये उस उम्र में जो मेरा कोगनेटिव लेवल था वो कुछ और था बट अब आके वो एस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसको पता चल रहा है कि सोर्स का तो पता चल गया पर वैलिडिटी उसकी अब नहीं रही तो होपफुली आपको ये वाला जो है चीज बिल्कुल समझ आ गई होगी अब हम थोड़ा आगे से चलते हैं और अपनी चीजों को फॉरवर्ड करते हैं तो एपेस्टोमोलॉजी असल में क्या है एपेस्टोमोलॉजी जो है दो एजुकेशनल टर्म है और दो एरियाज को कवर करती है ठीक है टू एरिया आर कव इन एपेस्ट्रोमोलॉजी टू एरिया दो एरिया होता है द कॉन्टेंट कॉन्टेंट खुद क्या है और फिर उसका आ, क्या है जी कॉन्टेंट ऑफ थॉट कॉन्टेंट ऑफ थॉट सोचते क्या है आपने सोचा क्या है उसके बाद सेल्फ खुद क्या है ठीक है एक चीज़ है उसको आप सोचते हैं वो खुद क्या है और उसके बारे में आपका कंटेंट क्या है तो कंटेंट वो ही है आपकी सोर्स आ जाती है और थॉट खुद क्या है नेचर सही है किसी भी चीज़ की नेचर के बारे में आप समझते हैं फिर आपके पास कुछ कंटेंट होता है जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं देन आप उसको वैलिडिटेट वैलिडेट uh, करते हैं ठीक है जी आगे चलते हैं जी अब हम जरा अपिस्टोमोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ठीक है डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने का पर्पस ये होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए और आपको इंटरव्यू के अंदर या आपका टेस्ट हो तो वहां पे आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये काम आएगी और आपके बहुत सारे सवालत सही हो जाएंगे सही है जी अच्छा जी अब आगे चलते हैं जो एपिस्टोमोलॉजी है वो डील क्या करती है डिपेंडेबिलिटी को ठीक है डिपेंडेबिलिटी कि हमारी नॉलेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है डिपेंडेबल ऑफ नॉलेज ठीक है जी उसके बाद वैलिडिटी ऑफ सोर्सेज जैसे मैंने बात कर रहा था वैलिडिटी की जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दी थी कि वैलिडिटी ऑफ सोर्स क्या वो जो वैलिडिटी ऑफ सोर्स जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहता है आपको कि सुबह ईद है तो ठीक है अट्ठाई मिसाल के तौर पर उनतीस रोज़े हैं और उनतीस रोजे पे कोई कह देता है सुबह ईद है तो आप उससे पूछेंगे ना भाई आपको किसने फरमाया क्या आपको रूवत हलाल कमेटी के चेयरमैन से पता चलागा किस सोर्स से पता चला ठीक है और वो बोलेगा ये तो मेरा अपना ख्याल है तो वैलिडिटी ऑफ सोर्स आपको पता चल गई ना कि उसकी वैलिडिटी कितनी है वैलिडिटी से आपको नेचर का पता चल जाता है और आप क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं कि वट इज ट्रू क्या ये सच है या सच नहीं है तो ये देखें सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं हर चीज का दूसरी चीज के साथ क्या है एक बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं एक और चीज की तरफ ठीक है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है जो पीपल कैन नाट एक्वायर रिलायबल नॉलेज हमारा जो मुआरा है ना पूरा इन लोगों से भरा हुआ है ठीक है फ़लासफ़ी पढ़ने का यही बड़ा फ़ायदा है कि आप फलासफ़ी को अप्लाई करते हैं और आपको एक जो अपने की सोसाइटी है वर्ल्ड है उसका एक अलग ही व्यू दिखता है पीपल कैन नाट एक्वायर ठीक है ट्रू नॉलेज इधर उधर की बातें बस करवा लो उस बंदे ने यह बात कही थी जी आज जो है ऐसा होना है आज जी एक ए, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है किसने कहा है वो चचा जी बैठे हुए थे उनको लगा था उनका बड़ा एक्सपीरियंस था तो उन्होंने बात कही और हम जो है उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते और वाकई ही आ जाएगा तो इस तरह के बिलीव हम लोगों ने आजकल पाले हुए हैं ठीक है जी थी, किसी ने कह दिया और एनी सर्च ऑफ ना हमने रिलायबल नॉलेज को देखना है ना हमने ट्रुथ को देखना है ठीक है ये हमारी आजकल के जो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो है स्केप्टिसिज्म और ये रिलेटेड है किससे एग्नोटिसिज्म से एग्नोस्टिटिज्म ठीक है ये भी क्या है बहन भाई हैं दोनों ही ये प्रोफेशन है कि आपने किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को नहीं मानना कि वो एग्जिस्टेंस नहीं है या इसको हम असल में लेके जाते हैं रिलेशन की तरफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के गॉड का कोई वजूद नहीं है वो कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रॉ अग्नौ, अग्नौ, होते हैं ठीक है जी अच्छा अब हम जरा चलते हैं ये तो हो गया हमारी बड़ी काम की चीज़ें अब हम एक ओवरव्यू एक कंप्लीटली uh, हमने डिस्कशन को देखा अब हम चलते हैं मेजर एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टोमोलॉजी मेजर मेजर ये थोड़ा करीब कर लें मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एपिस्टोमोलॉजी ठीक है जी एपिस्टो एपिस्टोमोलॉजी अच्छा जी सही अब हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं तो नंबर वन है हमारे पास imprecism. Imprecism. Imprecism क्या होता है? का मतलब होता है? है का मतलब इंप्रेसिज्म थ्रू सेंसेस अब नॉलेज को हासिल करते हैं किससे अपने सेंसेस से साइंस uh, के अंदर हमने देखा है देर आर फाइव सेंसेस इंसान के पास कितने सेंसेस होते हैं? फाइव सेंसेस होते हैं तो फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी आप चीजें जो है जो भी आप चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं वो एपिस्टोमोलॉजी का कौन सा एस्पेक्ट है एम्प्रिसिजम दूसरा है जी हमारे पास एस्पेक्ट रिविलेशन ठीक है जिसे हम वही के तौर पे कहते हैं ना जो थियोलॉजी के अंदर बड़ा इसको जो है इम्पॉर्टेंस दी जाती है तो रिविलेशन का मतलब क्या होता है जो कुरानी आयत या को, कोई ख़ुदा की तरफ से जो मैसेज आपको आया होता है जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह पाक का मैसेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आते रहे हैं तो उसके ऊपर भी एज मुस्लिम हमें कोई शक नहीं है और हम कटने मरने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है वही ठीक है तो ये बात आई समझ में ये हर दिन के अंदर होता है जैसे क्रिश्चियंस हैं ज्यूज हैं उनके अंदर भी ये सारी जो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज बिल्कुल इस्तेमाल होती है उसके बाद जी ये दो एस्पेक्ट हो गए तीसरा एस्पेक्ट है अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है किसी पावरफुल बंदे ने आपको कोई बात कह दी या किसी चलो पावरफुल बंदा नहीं पे एक्सपर्ट की बात ले लेते हैं ठीक है एक्सपर्ट्स ने कोई बात कह दी तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं क्यों क्योंकि दे आर हायर इन नॉलेज उनकी जो नॉलेज है वो आपसे बहुत ज्यादा होती है और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है अच्छा जी इसको एजुकेशन के अंदर अगर चले जाए तो क्लास क्लासरूम क्या है हमारा एक किस्म से एजुकेशन के अंदर किचन है ठीक है जैसे चीजें बनती हैं ना हम चीज़ें बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एजुकेशन का जो किचन है वो क्लासरूम है वहाँ पे टीचर जो है वो एज अ कुक है और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है जी वो उनकी रेसिपीज हैं तो जैसा कुक चाहता है वो अपनी रेसिपी तैयार करता है और रेसिपी का पता कैसे चलता है वो सोसाइटी को पता चलता है कि ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है तो ठीक है समझ आई आपको एनालॉगी मैंने आपको थोड़ी सी करके दिखाई कि अथॉरिटी क्या होती है तो क्लास क्लासरूम जो है क्लासरूम के अंदर जो अथॉरिटी है वो क्या है, है अब टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो क्या है वो बिल्कुल एक अथॉरिटी है हाँ बट काफी दफा क्या होता है उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं तो वो क्या होता है क्रिटिकल आप जब उसको एनालिसिस करते हैं तो आपको उसकी गलतियों का भी पता चल जाता है अच्छा जी उसके बाद टीचर जो है टीचर एक अथॉरिटी फिगर होता है क्लासरूम के अंदर कि टीचर ने जो बात कर दी वो क्या है अथॉरिटी है उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है और बच्चे क्यों मानते हैं क्योंकि टीचर इज हायर इन नॉलेज तो ये अथॉरिटी तो बड़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा उसके बाद चलते हैं रीज़न की तरफ रीज़न मीन्स लॉजिक दैट इज़ द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ एपस्टोमोलॉजी ठीक है जी लॉजिक क्या होता है जैसे आपको बोलते हैं ना कि इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जी किसी की दीवार है ठीक है वॉल है वॉल के ऊपर आया कौवा अब मुझे है, मैं पेंटिंग में बड़ा जो ही गंदा हूँ तो इस वजह से मैंने पता नहीं क्या बना दिया बट इसको आप कवा समझ ले ठीक है कौवा यहाँ पर बोला और जी आपने कहा जी इस घर में मेहमान आना है और जी जाके बोला जी हमें जो है ये वाली चीज़ जो है बहुत पुराना ट्रेडिशन है और हमें पता है तो लोग बोलेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है ठीक है इसके पीछे लॉजिक क्या है ऐसा तो कोई लॉजिक है ही नहीं तो ये तो बात बिल्कुल सही है तो वैलिडिटी वैलिडिटी का जो है क्या आता है क्वेश्चन uh, आ जाता है कि क्या ये चीज़ वैलिड है या ये चीज़ वैलिड नहीं है अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ अच्छा बच्चे अक्सर कहते हैं ना कि बात करते करते और जी या कुछ बात कर रहे हैं तो लाइट चली गई तो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं तो बोलेंगे भाई ऐसे कैसे होता है काफ़ी दफ़ा आप बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं उस टाइम भी लाइट चली जाती है फिर जी ऐसे कहते हैं अच्छा आपने सच बोला ना तो लाइट आ गई तो कोई बाहर मेन स्विच के ऊपर खड़ा हो के बंद और चला रहा हो कि हाँ जब ये बात बोलेगा मैंने लाइट बंद कर देनी है और जब ये बात बोलेगा तो मैंने लाइट खोल देनी है ऑन ऑफ करता रहे तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है रीज़न है बिल्कुल नहीं है तो आप क्या करते हैं हर चीज़ का लॉजिक और रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं जब आप बेसिक नॉलेज की तरफ जाते हैं तो जो बच्चा होता है ना जो फिलोसोफर होता है वो हमेशा रीज़न को क्या करता है आइडेंटिफाई करता है सही है जी ये वाली बात आई समझ को आपको लोगों को उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टोमोलॉजी और वो है इंट्यूशन ठीक है ये क्या होता है जी इंट्यूशन का मतलब होता है फीलिंग्स फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है विदाउट कॉन्शियस माइंड ठीक है कॉन्शियस रीजनिंग को छोड़ के आप क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट uh, जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलती हो, हो रही होती है फीलिंग्स के ऊपर आप क्या करते हैं रिलाय करते हैं तो ये है हमारे पास फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ एपिस्टोमोलॉजी एक है एम्प्रिसिज्म रेवलेशन uh, उसके बाद है अथॉरिटी रीज़न एंड द इंटिटेशन ठीक है जी अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ और वो भी बड़ा मज़ेदार है ठीक है एपस्टामोलॉजी एंड द एजुकेशन ठीक है एपिस्टोमोलॉजी एंड एजुकेशन ठीक है जी अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है असल तो कमाल की चीज़ ये है ना ये है अब हमारी रेसिपी ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया अब जी इसका मतलब क्या है और ये हमें कहाँ कहाँ काम आती है तो एपिस्टोमोलॉजी ये आपने चीज़ याद रखनी है ये आपका एक किस्म का टोकन क्वेश्चन है ठीक है जी ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ऐसे डिटेल के अंदर जिनके कॉन्सेप्ट नहीं है वो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं तो हमेशा चीज़ का कॉन्सेप्ट देखिए कॉन्सेप्ट समझ लिया हो सकता है ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है एग्ज़ाम के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ ऐसा कोई सवाल ना पर इस डिस्कशन से रिलेटेड काफ़ी सवाल आ जाए जो आपके जो जवाब आते हैं वो सही हो सकते हैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं रट्टे के पीछे ना जाएं रट्टा एक हद तक सही होता है बट सब कुछ रट्टा है ये चीज गलत है ठीक है तो मोटर ऑफ एजुकेशन मोटर ऑफ एजुकेशन क्या है एपिस्टोमोलॉजी अब देखें आपकी मोटर क्या है आपकी नॉलेज है और नॉलेज ने एजुकेशन को चलाना है अब अगर आपकी मोटर ही नहीं सही तो एजुकेशन चलेगी नहीं चलेगी अगर आपकी सोर्स ही नहीं सही ठीक है वही जो लाइट है ऑन ऑफ हो रही है और आप रीजंस कर रहे हैं तो क्या आपकी एजुकेशन चलेगी बिल्कुल नहीं चलेगी तो एपिस्टोमोलॉजी को कहते हैं मोटर ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है टीचर ही नहीं है तो आपकी एजुकेशन कैसे चलेगी अच्छा चले टीचर है विदाउट नॉलेज है तो कैसे आपका एजुकेशन चलेगा तो एपेस्टोमोलॉजी क्या है आप ऐसे कह सकते हैं फूड ऑफ एजुकेशन है ठीक है फूड ऑफ एजुकेशन भी है ये मैं आपको सिर्फ एनालॉगी uh, के तौर पे बता रहा हूँ कि फूड ऑफ एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं सही है जी अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस थ्योरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ठीक है जी थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए अपिस्टोमोलॉजी की ये रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है आपकी थ्योरी कुछ कह रही है और आपकी प्रैक्टिस कुछ कह रही है कुछ लोग होते हैं ना वो जैसे एक बड़ा मशहूर है इसमें जो हमारे दीनी लोग हैं वो बुरा ना माने तो एक हमारे पास कहते हैं ना बड़ी मशहूर कहावत है वो कहते हैं मौलवी जैसा बोले वैसा करो पर मौलवी जो करे वो ना करो ठीक है एक बड़ी प्रैक्टिस है कि आप बोला तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं पर आपकी प्रैक्टिस जो है वो असल बात बताती है तो आप कहती है कि थ्योरी और प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए एक आपस में उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अच्छा जी उसके बाद कर क्या करती है आपका फिलॉसफिक जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर जो आपका फेथ है ना उसको शेप करती है ठीक है? है जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया को आप किस तरह देखते हैं वर्ल्ड व्यू ऑफ नॉलेज जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूं ठीक है जी जैसे आप छोटे होते हैं कितने साल की उम्र है मिसाल के तौर पे चलें छे साल है ठीक है छः साल में आप दुनिया को किस तरह देखते हैं आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज होता है किस बेस के ऊपर चेंज होता है नॉलेज के बेस के ऊपर ठीक है अब छोटे से बच्चे को के पास नॉलेज कम होती है और उसका वर्ल्ड व्यू कुछ और होता है फिर इसी तरह ही वो जब बड़ा होता है ग्यारह साल की उम्र में पहुँचता है तो फिर उसको नॉलेज आती है और फिर उस पता चलता है जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कुछ छोटे बच्चे होते हैं और वो काफ़ी दफ़ा बड़ों के साथ ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि उनको खुद नहीं पता चल रहा होता वो बड़ी अजीबो गरीब बातें होती हैं फिर जब बच्चा एक बड़ी उम्र में पहुंचता है तो कभी कभार वही चीज़ उसके सामने दोबारा होती है और फिर वो सोचता है कि मैं जो छोटी उम्र में बड़ों के साथ बातें करता था तो वो कौन सी बातें थी कितनी अहम काना बातें वो होती थी और क्या था असल में उनके पास नॉलेज की कमी थी तो नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता उनकी बढ़ती जाती है उससे उनका वर्ल्ड व्यू बनता है वर्ल्ड व्यू के साथ उनका फेथ बनता है और इस तरह वो फॉरवर्ड की तरफ जाते जाते हैं मतलब एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं ठीक है थीके? तो हर चीज को प्रेजेंटेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस के साथ आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो बनता जाएगा तो जी ये था जी आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपस्ट्रामोलॉजी को स्टडी किया दैट इज द सेकंड ब्रांच ऑफ फिलासफी उसके क्वेश्चंस क्या हैं मेजर एस्पेक्ट्स हमने कवर किए उसके बाद एजुकेशन के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया सो होपफुली यू हैव लर्न अलॉट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी I will reply you when I will available और उसके साथ साथ आ, ये मेरे जो notes हैं ये बिल्कुल detail के अंदर भी available है इन शाह मैं अपने Facebook page के ऊपर भी इसको share करूँगा और यू विल गेट द पी डी एफ बाई टेक्स्टिंग और माई व्हाट्सअप नंबर अपना ख्याल रखिएगा इन शाह फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ टिल दैट टाइम अल्लाह हाफि